सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ का टेस्ट लगाएंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट, जिसका थ्योरी है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे चैनल में रेगुलर बने रहें। जो फ्रेंड्स नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। कम से कम आंसर देने को आपको 5 सेकेंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो भोजन का एक प्रमुख अंग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज होता है। हम बताए थे, अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सबके बारे में अच्छे से बताया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब तत्काल ऊर्जा मिल जाता है हमारे शरीर को। तो तत्काल ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो ग्लूकोज से होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, मतलब किस चीज का बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रति ग्राम में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा वसा में होती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से। और 1 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो प्रोटीन में होती है 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबको अच्छे से समझ लीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो कहाँ होता है मानव शरीर में। तो मानव शरीर में जो यकृत में होता है, तो यकृत में ग्लाइकोजन होता है। तो इसका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ग्लाइकोजन होता कहाँ है, तो यकृत में होता है कभी ये पूछता है। तो डी सही हो जाएगा ऑप्शन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए आप लोग। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल 20, तो 20 होते हैं। तो 10 जो होता है हमारे शरीर से प्राप्त हो जाता है और 10 भोजन से प्राप्त हो जाता है। तो हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। थ्योरी देखेंगे तो सबका समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है, उसके बाद मूंगफली में होता है।
तो सोयाबीन में 42% होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो मांस, मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, चावल, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होती है? तो अभी ऊपर बताए थे आपको, तो प्रति ग्राम सर्वाधिक जो होती है 9.3 जो होता है ऊर्जा प्रदान होता है वसा से, तो हमारा डी सही हो जाएगा ऑप्शन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो थ्योरी में हम बताए भी थे विटामिन शब्द का सर्वप्रथम फंक वैज्ञानिक थे वही किए, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फंक। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है मतलब कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन होता है। और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पाइरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। और विटामिन सी का जो होता है एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। तो सबके सबको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में जो होता है विटामिन डी होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। तो सबको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो हमारा ऑप्शन विटामिन के हो जाएगा, तो विटामिन के रक्त थक्का नहीं बनता है। और जो विटामिन ए के कमी से रोग होता है वो रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा सबको, एक बार जरूर देख लीजिएगा ध्यान से। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए आप लोग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो भरपूर लौह जो होता है हरे सब्जियों में होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होती है? तो जो पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी होते हैं। बी और सी जो होते हैं वो विटामिन में घुलनशील हो जाए, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो जल में जो वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए हो गया, और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के सब वसा में घुलनशील होती हैं।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दूध में पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो केसीन होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है रिकेट्स, वही वाला। तो जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास पाया जाता है? तो दूध में जो मिठास पाया जाता है वो लैक्टोज से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B6 की कमी से अरक्तता होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो सबको अच्छे से देख लीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, थायमिन है, तो थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो जो थायमिन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। तो सबको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो शैवाल होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, मतलब कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो छिली हुई सब्जियों में विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह रेलवे का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको आंसर दीजिएगा आप लोग। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो विटामिन ए मदद करता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसका जो कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं।